Hey everyone, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. ये एक चैनल है जिसमें मैं मेडिकल और फिजियोथेरेपी रिलेटेड टॉपिक्स को एक सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। आज का वीडियो है अबाउट साइनैप्स। ये देखिए, ये है दो न्यूरॉन्स और ये है उसके बीच का एक जंक्शन। जंक्शन यानी एक संगम कह सकते हैं दोनों न्यूरॉन्स का, और इसको कहा जाता है साइनैप्स, जहाँ उनकी एक कंटिन्यूटी होती है इन अ फिजियोलॉजिकल मैनर। मतलब कोई एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन नहीं है, एक दूसरे से ये दो न्यूरॉन्स जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी होती है इन दोनों नर्व सेल्स के बीच। कैसे, ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। आज फिलहाल बात करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ साइनैप्स। दो मेथड से क्लासिफाई किया जाता है साइनैप्स को, एक होता है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अगर हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखा जाता है कि अक्सर एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है वो दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी में या फिर डेंड्राइट में या फिर दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ खत्म होता है। सो इसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। अगर एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के बॉडी में या सोमा में जाकर एंड होता है तो इसे कहा जाता है एक्सोसोमैटिक साइनैप्स। अगर पहले न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ टर्मिनेट होता है, फिर इस तरीके के साइनैप्स को कहा जाता है एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। तीसरा टाइप है एक्सोएक्सॉनिक साइनैप्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पहले न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन में टर्मिनेट होता है। सो ये हो गया एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मतलब किस तरीके से इस साइनैप्स के द्वारा इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसके हिसाब से साइनैप्स को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होता है, एक कंटिन्यूटी होती है प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स के बीच, और ये कंटिन्यूटी होती है थ्रू द गैप जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज होता है आयंस का दोनों न्यूरॉन्स के बीच, और इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल प्री साइनैप्टिक टर्मिनल में पहुँचता है वही पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में भी एक पोटेंशियल चेंज प्रोड्यूस करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इस इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का कि यहाँ पे साइनैप्टिक डिले नहीं होता, क्योंकि करंट का फ्लो बिल्कुल डायरेक्टली हो रहा है। सो साइनैप्टिक डिले नहीं होता या फिर काफ़ी कम होता है। और अनलाइक केमिकल साइनैप्स, इम्पल्स ईदर डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से यहाँ भी। ये इलेक्ट्रिकल साइनैप्स मौजूद होता है नर्वस सिस्टम में और साथ ही साथ कुछ नॉन नर्वस सेल्स में भी ये देखा जाता है, जैसे कि कार्डियक मसल फाइबर्स में या फिर स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ इंटेस्टाइन और इपिथेलियल सेल्स ऑफ लेंस ऑफ द आईज में। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब हम साइनैप्स की बात करते हैं, हम रेफर करते हैं टुवर्ड्स द केमिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स में, जैसा मैंने कहा था पहले ही, कोई एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी नहीं होती, बस एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी होता है बिटवीन द प्री साइनैप्टिक एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स। जो सिनैप्स करता है जाकर न्यूरॉन, उसको कहा जाता है प्री साइनैप्टिक, और जो सेकेंड न्यूरॉन जिसके साथ ये कंटिन्यूटी बनती है उसको कहा जाता है पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच इन केस ऑफ केमिकल साइनैप्स एक स्पेस होता है जिसको कहा जाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। जो एक्शन पोटेंशियल प्री साइनैप्टिक टर्मिनल में पहुंचता है वो क्या करता है, रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द वेसिकल्स ऑफ द टर्मिनल, और ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन पहुंचता है थ्रू दिस साइनैप्टिक क्लेफ्ट, और इसकी वजह से एक पोटेंशियल चेंज होता है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसमिट होता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइनैप्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है इन डिटेल्स, काम क्या होता है साइनैप्स का और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। तो मेरे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का एक आइडिया आपको मिल जाएगा थ्रू दोज नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। टिल देन, स्टडी हार्ड।